क्लिनिकल रीजन में आ जाए तो जो सिंथेटिक हम एनालॉग्स देंगे वो क्यों देंगे? जाहिर सी बात है, बॉडी में कोई डेफिशिएंसी चल रही है, कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है जिसमें डेफिशिएंसी हो गई, या फिर कोई जेनेटल डेफिशिएंसी है, तो उसमें जो है ना हम देंगे एडिसन्स डिजीज़ है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो है ना क्रॉनिक एड्रीनल इंसफिशेंसी होती है, एडिसन्स डिजीज़ में देंगे ताकि वो जो है ना जाके उसको रिप्लेस कर दें, और या फिर जो है ना एक्यूट एड्रीनल इंसफिशेंसी है, लाइक किसी इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड, कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई शॉक में गया या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है और उसमें एड्रीनल ग्लैंड जो है ना नहीं सिक्रेट कर रहा और एड्रीनल इंसफिशेंसी हो गई है, तो उसमें जो है ना हम देंगे। इसके अलावा जो है ना कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है, कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में ये होता है कि जो है ना एबनॉर्मल सिक्रेशन होती है हमारे इन ACTH की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह की, ठीक है, एबनॉर्मल सिक्रेशन होती है, तो इसमें जो है ना हम जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देते हैं तो वो ACTH को जो है ना इनिबिट कर देता है, ACTH सिक्रेशन को, जिसकी वजह से जो है ना एबनॉर्मल स्टीरॉयड्स का लेवल जो है ना कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ना नॉन एड्रिनल डिसऑर्डर्स है, नॉन एड्रिनल डिसऑर्डर्स जो है ना हमने पीछे पढ़ा था ना कि एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर रहे होते हैं, तो इनको अस्थमा वगैरह में देते हैं, अस्थमा अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, बैक्लोमेथासोन, ब्यूटेसोनाइड, और इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में देते हैं, लाइक हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया और इम्यूनिटी जो है ना वो कर रही है, उसको रिजेक्ट कर रही है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, उसको एंटीजन उसने कंसिडर किया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये देंगे और वो इम्यूनिटी को, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो है ना उसके आगे ठीक हो जाएगी, मतलब वो नहीं करेगा पेशेंट। इसके बाद कोलाजन डिजीजेज़ हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है ना मोस्ट कॉमनली उसमें इन्फ्लामेशन हो रही होती है जॉइंट्स की, तो उसमें देते हैं। इसके अलावा जो है ना हेमाटोपोएटिक कैंसर्स हैं, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स हैं, या फिर जो है ना हाइपरकैल्सीमिया, मोशन सिकनेस वगैरह में देते हैं। इसके बाद बीटा मेथाजोन का बताया है, इसको जो है ना प्रेगनेंसी में भी देते हैं ताकि बच्चे का जो लंग है ना वो मैच्योर हो जाए, तो और इस वजह से जो है ना हम ये बीटा मेथाजोन जो है ना देंगे फीटल लंग मैचुरेशन के लिए, उसको हेस्टन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी जो इस हमने इफ़ेक्ट्स पढ़े थे वो जो है ना ज़्यादा एडवर्स हो जाएंगे, तो मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स में ये है कि जो है ना डायबिटीज़ हो जाएगी क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये ग्लूकोनेजेनेसिस को प्रमोट करा रहे थे, ग्रोथ इनहिबिट करा रहे थे, मसल कैटाबॉलिज्म करा रहे थे, जिसकी वजह से मसल वेस्टिंग होगी, इसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस होगी, और सॉल्ट रिटेंशन करा रहे थे। इसके अलावा साइकोसिस में भी इसका वो है क्योंकि ये CNS बेस के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। अब हमने कुछ मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम इनकी टॉक्सिसिटी को जो है ना कम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग्स हैं और जो है ना नॉर्मली जो है ना इनका हमारी इम्यूनिटी वगैरह को सप्रेस कर रही होती हैं, इन्फ्लामेशन वगैरह को सप्रेस करती हैं, तो बहुत ही डेंजरस ड्रग्स हैं। तो पहला इनका वो है कि लोकली अप्लाई करें, हम जिस जगह की कोई इन्फ्लामेशन है या जिस जगह कोई मसला चल रहा है तो उसी जगह अप्लाई करें, जैसे अस्थमा में एरोसोल्स वगैरह देते हैं। इसके बाद अल्टरनेट डे थेरेपी, लाइक डेली यूज़ ना करें, एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के जो है ना अल्टरनेट डेज में यूज़ करें, ताकि जो है ना एक उसकी इफेक्टिवनेस भी ड्रग की मेंटेन रहे और ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स भी ना आए। और दूसरा यह है कि टेपरिंग द डोज सून आफ्टर अचीविंग थेरेप्यूटिक पर्पज़ के बाद हम डोज को जो है ना टेपर कर दें, ड्रग का फ़ायदा हो गया, थेरापीटिक रिस्पॉन्स हमने अचीव कर लिया, हमारा फ़ायदा हो गया, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ड्रग को जो है ना छोड़ते जाएं, कम करते जाएं उसकी, लाइक हम पहले डेली 2 टैबलेट्स लेते थे तो एक लेनी शुरू कर दें एक दिन में, आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते जाएं। इसके अलावा जो है ना ऐसे पेशेंट्स जिनको पहले जो है ना इसके साथ जो है ना ट्रीट किया जा रहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह के साथ, तो अब उनकी डेफिशिएंसी ना हो जाए तो उनमें एड्रिशनल स्ट्रेस डोजेज दी जाती है, ताकि अचानक से जो हम छोड़ेंगे ना पेशेंट तो उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, एड्रिनल इंसफिशिएंसी होगी, तो उसको फिर इंसफिशिएंसी वाले इफ़ेक्ट्स आएंगे। और इसके अलावा जो है ना ऐसे पेशेंट जो कि विदड्रॉ कर रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से, उनको भी चाहिए कि जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डोज को कम करें, एकदम से ना छोड़ें, ताकि जो है ना इफ़ेक्ट्स दोबारा से ना वापस आ जाएँ। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन मेन है, एल्डोस्टेरोन हमें पता है कि जो है ACTH के रिस्पॉन्स में रिलीज़ होता है, और दूसरा रेनिन है जो टेंशन सिस्टम है जो इसको जो है ना रिलीज़ करवाता है, और इसका मेन इफेक्ट सॉल्ट रिटेंशन है, और ये BP वगैरह को रेज कराएगा, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेशन, ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और इसके बाद जो है ना
आदर्श में है, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन है, फ्लुडरोकॉर्टिसोन है, फ्लुडरोकॉर्टिसोन एल्डोस्टेरोन का जो है ना एनालॉग है, इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर दिया जाता है ऐसे पेशेंट्स जिनमें एड्रीनल हाइपरप्लेजिया था या एड्रीनल ट्यूमर हो गया था, तो उनमें हमने एड्रीनलेक्टमी करा दी तो उनमें एड्रीनल इंसफिशेंसी हो जाएगी, उनमें रिप्लेस करने के लिए हमने जो है ना एल्डोस्टेरोन का एक एनालॉग है सिंथेटिक फ्लुडरोकॉर्टिसोन, जिसकी ना सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी है बल्कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी है। इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटागोनिस्ट है, उसमें रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमने पढ़े थे और जो है ना मैंने बताया था, और सिंथेसिस इनहिबिटर्स पढ़े थे, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट स्पायरोनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन है जो कि एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर भी जाके बाइंड करते हैं और उसको एंटागोनाइज कर देते हैं। इसके अलावा मिफेप्रिस्टोन ये प्रोस्टाग्लैंडिंस में भी है क्योंकि अबॉर्शन के तौर पर जो है ना अबॉर्शन के लिए यूज़ होता है, तो ये जो है ना एक तो प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर्स को भी एंटागोनाइज करता है और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को भी एंटागोनाइज करता है, इस वजह से इसको कुशिंग सिंड्रोम में देते हैं। इसके बाद जो है ना सिंथेसिस इनहिबिटर्स में तीन तरह के हैं, कीटोकोनाजोल, अमाइनोग्लूटाथिमाइड और मिटारापोन। जो कीटोकोनाजोल है ना ये क्या करता है, जितने भी स्टीरॉइड सिंथेसिस है उन सबकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसके बाद जो है ना दूसरा अमाइनोग्लूटाथिमाइड, अमाइनोग्लूटाथिमाइड कोलेस्ट्रोल टू प्रेग्नेनोन जो कि इनिशियली हमारा स्टेप होता है, इनिशियल में प्रेग्नेनोन बनाते हैं जो कि जितने भी स्टीरॉयड्स बनते हैं उन सब का प्रीकर्सर है, तो कोलेस्ट्रोल टू प्रेग्नेनोलोन की कन्वर्जन को इनहिबिट करते हैं। इसके बाद जो है ना मिटारापोन, मिटारापोन जो है ना उसकी कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। तो इनको फिर जो कीटोकोनाजोल है स्पेशली, और इसको हम किस में देते हैं, एड्रिनल कार्सिनोमा में, हिरसुटिज्म में, ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर जितने भी कार्सिनोमा वाली कंडीशन है उनमें हम दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जो है ना मिटारापिन का एक एडिशन यूज़ ये था कि ये जो है ना डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर यूज़ होता है। अब एक बार फिर से बता देती हूँ, क्लिनिकल यूज़ में हमने पढ़ा था कि क्रॉनिक एड्रीनल इंसफिशिएंसी जैसे एडिसन डिजीज़ है या फिर एक्यूट इंसफिशिएंसी होगी एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन या फिर कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ है उसमें देंगे, या फिर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है जिसमें एबनॉर्मल सिक्रीशन हो रही है तो उसमें हम देंगे। नॉन एड्रीनल डिसऑर्डर्स में हमने अस्थमा पढ़ा था, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन पढ़ा था। इसके बाद जो है ना रोमेटिक डिसऑर्डर्स में इन्फ्लामेशन वगैरह होती है, इसके अलावा माउंटेन सिकनेस और की सीटी इंड्यूस्ड वोमिटिंग वगैरह, टॉक्सिसिटी में मेटाबॉलिक इफेक्ट्स पड़े थे और सॉल्ट रिटेंशन वगैरह पड़े थे, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में डायबिटीज, मसल वेस्टिंग वगैरह। और इनकी जो है ना टॉक्सिसिटी से बचने के लिए हम अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, लोकल एप्लीकेशन दे सकते हैं उनका, और तीसरा ये एडिशनल स्ट्रेस डोसेस देते हैं ऐसे पेशेंट जो कि जिनमें खतरा हो गया इनमें कि एड्रिनल इंसफिशेंसी ना हो, ठीक है। और ऐसे पेशेंट जो कि अगर छोड़ रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिजीज ड्रग्स तो उनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़नी चाहिए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो एल्डोस्टेरोन है अदर है, एल्डोस्टेरोन जो है ना सॉल्ट रिटेंशन कराता है और ब्लड वॉल्यूम वगैरह को रेगुलेट कराते हैं, और अदर में डीऑक्सीकॉर्टिकोन है, फ्लुडरोकॉर्टिसोन हमने पढ़ा कि जो है ना ये उसमें पेशेंट जो के एड्रीनलेक्टमी कर रहे हैं तो उनमें रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर दिया जाता है। रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में स्पायरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन वगैरह पढ़े, और इसके अलावा मिफेप्रिस्टोन पढ़ा। सिंथेसिस इनहिबिटर में कीटोकोनाजोल जो कि कैंसर वगैरह जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है, और जो है ना हमारा एड्रीनल कार्सिनोमा है एड्रीनल ग्लैंड का हिरसुटिज्म उसमें दे रहे हैं, तो मिटारापोन था, और एक और हमने पढ़ा था अमाइनोग्लूटाथिमाइड। मिटारापोन का याद रखने के डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर यूज़ होता है।